जय हिंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई ने 2020-21 के लिए सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। मैंने एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया है कि सीबीएसई ने 2020-21 के लिए सैंपल पेपर जारी किया है, उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं, आपको आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहां से शुरू होता है केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें सिर्फ 4 को अटेम्प्ट करना है। मैं यहां पे 5वें अटेम्प्ट कराऊंगा, क्योंकि अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन हमने नहीं किया होगा अगर वही आ गया तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपको 5वें क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एक मैथ का टीचर क्लास 10th के बच्चों को रेड फोर्ट घुमाने लेके जाती है। रेड फोर्ट पर ले जाने के बाद बच्चों से कहती है कि यहाँ पे 2 सिलिंड्रिकल पिलर हैं, 2 लेफ्ट एंड राइट साइड में हेमिस्फेरिकल डोम्स हैं, मतलब यहाँ पे 2 हेमिस्फेरिकल गुंबद हैं, 7 छोटे छोटे डोम्स हैं जो कि सेंटर में हैं, और इंडिपेंडेंस डे के दिन यहाँ पे फ्लैग होस्ट किया जाता है। तो इसी के बेस पे टीचर क्या करती हैं, बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछती हैं। तो चलिए उन क्वेश्चन को हम देखते हैं, टीचर बच्चों से क्या क्या पूछती हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम्स ईच ऑफ द रेडियस 2.5 मीटर। ये जो बड़े डोम्स हैं, इन दोनों डोम्स का रेडियस हमें दिया हुआ है 2.5 मीटर, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने कपड़े लगेंगे इसको कवर अप करने में। तो ये दोनों जो डोम्स है ये क्या है, हेमिस्फेरिकल है, हेमिस्फेरिकल मतलब अर्ध गोला है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। गिवन है, रेडियस दिया हुआ है 2.5 मीटर, तो हम फाइंड आउट करेंगे इसका एरिया। तो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr². तो यहाँ पे हमारे पास 2 हेमिस्फीयर है, ये वाला हेमिस्फीयर और ये हेमिस्फीयर, तो दोनों को हम एक साथ निकालेंगे। तो चलिए हम सरफेस एरिया निकालते हैं इस डोम्स का, ये हो जाएगा 2πr², ये होगा सिंगल डोम का, यानी कि एक डोम का सरफेस एरिया होगा 2πr², जब दोनों डोम्स का निकालेंगे तो यहाँ पे 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 × 2πr², तो हमारा दोनों डोम्स का एरिया निकल जाएगा। तो 2 × 2 = 4, पाई की वैल्यू हमें रखने के लिए बोला है 22/7, आर की वैल्यू दिया हुआ है 2.5 मीटर स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आएगा 78.57 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पिलर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr². तो जो हमारा सिलिंड्रिकल पिलर है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, πr² h। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर इफ हाइट ऑफ द पिलर इज 7 मीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 1.8 मीटर। हमें पिलर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा पिलर है, बेस का जो रेडियस है वो दिया हुआ है 1.4 मीटर, इसका हाइट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7 मीटर। तो पूछ रहा है इसका सरफेस एरिया कितना होता है। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr h। सिंस लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 2πr h, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पिलर है, तो 2 पिलर है तो एक पिलर का होता है 2πr h, तो 2 पिलर का हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 × 2 × π की वैल्यू होता है 22/7, r की वैल्यू दिया हुआ है 1.4 और h की वैल्यू दिया है 7, तो 7 से 7 यहाँ पे कट हो गया, ये हो गया 2 × 2 = 4 × 22 × 1.4। जब इसको सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 123.2 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 3.5 मीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा अगर इसका रेडियस 3.5 मीटर होगा। तो हेमिस्फीयर कैसा है, यहाँ पे गुंबद कैसा बना हुआ है, ऐसा, इसका हमारा रेडियस दिया हुआ है 3.5 मीटर। तो पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। यहाँ पे सिर्फ एक हेमिस्फीयर की बात कर रहा है, 2 का कर रहा होगा तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, लेकिन यहाँ पे एक का कर रहा है तो हम एक का निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3πr³। तो 2/3 है तो 2/3, पाई की वैल्यू होता है 22/7, आर की वैल्यू है 3.5 का क्यूब,
इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आंसर आ जाएगा 89.83 मीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच टू द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे हमें दोनों हेमिस्फीयर और एक सिंगल हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को कंपेयर करना है और वहां पे रेडियस की वैल्यू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्फीयर है 2 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यहाँ पे दो हेमिस्फीयर की बात हो रहा है, तो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, यहाँ देखिए 2 2 जा 4 और 3, तो 4/3 से 4/3 ये पूरा कट गया, पाई से पाई कट गया। आर की वैल्यू पुट करिए तो यहाँ पे हेमिस्फीयर का रेडियस है 1 सेंटीमीटर और स्फीयर का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, तो हमारा रेशियो आ गया 1:8। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आ रहा है 1:8। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी केस स्टडी बेस्ड है, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कृष्णनगर के क्लास 10 के बच्चों को एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया जाता है गार्डनिंग एक्टिविटी करने के लिए। प्लॉट के चारों तरफ 1 मीटर की दूरी पर गुलमोहर के पौधे लगाए जाते हैं। इस फील्ड में एक ट्रेंगुलर घास का मैदान है, उस घास के मैदान को छोड़ के बाकी जगह पे उन्हें फूल के पौधे लगाने हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए को ओरिजिन मान के क्वेश्चन 1 से 5 का आंसर दीजिए। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कंसिडर ए एज द ओरिजिन, व्हाट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ये है हमारा ओरिजिन, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0 0, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 0 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ये रहा हमारा पी, तो इस पी के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस लिखते हैं और ये वाई एक्सिस लिखते हैं। तो हम काउंट करते हैं कि वाई एक्सिस पे कितने पौधे हैं, तो ये है 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये आ रहा है हमारा 6 और यहाँ पे देखते हैं ये आ रहा है 4, तो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ आर। अब आर का कोऑर्डिनेट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। डी का कोऑर्डिनेट बताइए, ये जो है डी इसका हमें आप कोऑर्डिनेट बताना है। तो मैं आपको बता दूं, जब मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा था तो उसमें मैं आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होता है। तो डी जो है ये है एक्स एक्सिस पे, तो हमारा जो वाई की वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कि डी पे कितने पेड़ लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि डी आ रहा है हमारा 16 पे और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू आ रहा है 0, तो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 16 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इफ डी इज टेकन एज द ओरिजिन। पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर डी को हम ओरिजिन मान ले। तो आपको बता दूं कि ये हमारा एक कोऑर्डिनेट है जिसके लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यू होता है और राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू होता है। अपर जो होता है ये पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड जो होता है ये होता है नेगेटिव। तो डी जो है डी के हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पे मिलेगा पी, यानी कि लेफ्ट साइड में हमारा माइनस होगा और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव आएगा, यानी कि हमें यहाँ जाना है और हमें लेफ्ट आना है, तब हमें मिलेगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट पी का। तो वाई एक्सिस पे आ रहा है यहाँ पे 6 और एक्स एक्सिस पे देखते हैं तो यहाँ पे आ रहा है -12,
तो हमारा ऑप्शन आ रहा है -12 and 6। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, राहुल इज स्टडिंग इन क्लास 10 स्टैंडर्ड, ही इज मेकिंग अ काइट टू फ्लाई इट ऑन संडे। फ्यू क्वेश्चन कम्स इन हिज माइंड व्हाइल मेकिंग अ काइट। राहुल एक लड़का है जो क्लास 10 में पढ़ता है, वो एक पतंग को बनाता है, लेकिन पतंग को बनाते बनाते उसके मन में कुछ क्वेश्चन आता है पतंग को लेके। वही क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है, राहुल टाइड द स्टिक एट व्हाट एंगल टू ईच अदर। आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्टिक को टाई करेगा, तो ये हमारा एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। व्हाट इज द करेक्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया अप्लीकेबल फॉर स्मॉलर ट्रायंगल एट द अपर पार्ट ऑफ द काइट। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पे कौन से क्राइटेरिया होगा इन दोनों ट्रायंगल में। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:9, कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन द रेशियो। यहाँ पे देखिए हमसे पूछ रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस पूछ रहा है। अगर एरिया होता तो हम सिंपल क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर निकाल देते हैं, लेकिन हमें कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस पूछ रहा है, तो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस सेम ही होंगे, इधर जितना होगा इधर भी उतना ही होगा, तभी पतंग उड़ पाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा 4:9 वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है, इन ए ट्रेंगल इफ ए स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड, देन द एंगल ऑफ अपोजिट द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल, दिस थ्योरम इज कॉल्ड एज। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी ट्रेंगल का एक साइड का स्क्वायर बाकी के दोनों बचे हुए साइड के स्क्वायर के बराबर आता है तो वो कौन सा थ्योरम कहलाएगा। तो वो होता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द एरिया ऑफ काइट फाउंड बाय टू परपेंडिकुलर स्टिक ऑफ लेंथ 6 cm and 8 cm। यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है 6 cm, हाइट दिया हुआ है 8 cm। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल हो जाएगा 6 × 8 यानी कि 48 m². तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ड्यू टू हैवी स्टॉर्म एन इलेक्ट्रिक वायर गॉट बेंट एज शोन इन फिगर, इट फॉलोड अ मैथमेटिकल शेप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो। क्वेश्चन कह रहा है कि जब बहुत तेजी से हवा बहता है तो एक तार जो है एक मैथमेटिकल शेप में मुड़ जाता है, तो नीचे दिए हुए क्वेश्चन को आंसर दीजिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंट, इस वायर का शेप कैसा है जब ये मुड़ गया है। तो ये हो गया हमारा पैराबोला, ये जो मुड़ा हुआ है इसका शेप जो है वो है हमारा पैराबोला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो है पैराबोला शेप में। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, हाउ मैनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरोज कितने होंगे, यानी कि जितने बार ये एक्स एक्सिस को काटा है उतनी बार इसके जीरोज निकलेंगे। तो यहाँ पे काटा है और यहाँ पे काटा है, तो नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर, इस पॉलिनोमियल के जीरोज कौन कौन से आएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक जीरोज है यहाँ पे और एक जीरोज है यहाँ पे, तो वो आ जाएगा -1, 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन कैसा होगा। इस क्वेश्चन से करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में मैंने ब्रीफ में बताया है, आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आपको पता लग जाएगा कि इसका पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको जनरली बता देता हूं कि इसका पॉलिनोमियल होगा ऑप्शन नंबर सी, वो है x²-2x-3। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इफ x = -1। जो हमारा पॉलिनोमियल था x²-2x-3, इसमें अगर x के जगह पे -1 रख दें तो कितनी वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे रखिए -1 -2 × -1, यहाँ पे रखिए -3। -1 का स्क्वायर होता है 1 और माइनस और माइनस प्लस और 2 × 1 = 2 - 3, तो 3 - 3 = 0। तो अगर इस इक्वेशन में -1 को पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0। तो ये था आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन।
मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।